दोस्त, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन की रेसिपी, जो खाने में ही बहुत लाजवाब है और इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। इसे पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा रेसिपी, और इसको दाल रोटी चावल हर चीज़ से खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मटन अच्छे से गल गया है, इसको तोड़ कर मैं दिखा रही हूँ। देखिए गोश्त अच्छा से गल गया है, इसके लिए चाहिए 3 पाव गोश्त मटन, 3 पाव, 4 मीडियम साइज के प्याज, 4 तेज पत्ता, 2 गेठी अदरक, 3 है बड़ी इलायची, 8 है ये छोटी इलायची, दालचीनी 4 टुकड़ा है ये, और ये 8 लौंग, प्याज को छील के इसको पतला एकदम चॉप कर लेना है, चॉप ये काट लेना है प्याज को बारीक। 2.5 चम्मच लहसुन पेस्ट लेंगे, 2.5 चम्मच मैंने लहसुन पेस्ट लिया, जीरा धनिया गोलकी पाउडर का मिक्स मेरे पास, मसाला पहले से होममेड बनाया हुआ था उसके लिए है, जो मैंने अपने पहले चैनल में डाल चुकी हूँ। यानी आपको ये अगर मिक्स मसाला नहीं है तो आप 2.25 चम्मच जीरा, 2.25 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने धारेगी लिया है, हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। प्याज को मोटा मोटा काट लिया है, बारीक नहीं काटना है, मैंने गलती बोल दिया था पहले, सॉरी। ये प्याज को मोटे मोटे काट लेना है, और जितना खड़ा गरम मसाला है तेज़पत्ता छोड़कर इसको मिक्सी जार में महीन पीस लेना है, पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है अच्छे से। देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया, एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। गैस को ऑन करें, कढ़ाई गरम करें अच्छे से, इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला जाता, हमने सरसों का तेल दिया है 3 चम्मच, क्योंकि मटन तो ऑलरेडी इसमें फैट होता है और तेल छोड़ता है। 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल दिया है, उसको अच्छे से गर्म करेंगे सरसों के तेल को, ताकि उसका तेल का कच्चापन निकल जाए, और उसमें अब तेज़पत्ता डालेंगे, तेज़पत्ता थोड़ा ब्राउन हो जाए तो प्याज को डालेंगे, थोड़ी सी प्याज मैंने बचा लिया है बाद में डालने के लिए। देखिए सब प्याज डाल दिया है, थोड़ा बहुत बचा लिया है मैंने, उसको फ्राई करेंगे अब, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, डीप नरम होने तक फ्राई करना है प्याज को। प्याज जब नरम हो जाए देखिए प्याज मेरा नरम हो गया है, अब इसमें मटन डालेंगे जो पहले से मैंने धो के अच्छे से धो के वाश करके पहले से रखे दिए। मटन को डालेंगे अब इसमें, पानी एकदम नहीं रहना चाहिए मटन में, पानी को छान के डालेंगे।
इसको मिलाएंगे अच्छे से प्याज में। प्याज में अच्छे से इसको मिक्स करके और ढक्कन लगा कर इसको एक मिनट के लिए रख देंगे मीडियम आंच पर। देखिए मेल्ट हो गया है मेरा मटन प्याज। एक मिनट हो गया है, इसको मिलाएंगे मटन अच्छे से। थोड़ा फ्राई हो गया प्याज में। आधा मिनट और चलाएंगे इसको। जो मसाला मैंने लिया था सब इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी पानी डाल देंगे। मिक्स करेंगे मसाला को इसमें। अच्छे से पूरा मसाला को इसमें मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला जो मैंने पेस्ट तैयार किया था उसमें से डाल देंगे। थोड़ी सी मसाला बचा लेंगे, पूरा मसाला डाल देंगे बहुत थोड़ी सी बचाई है मैंने, इसको अलग रख देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। सबको मिलाएंगे अच्छे से। जब मिक्स हो जाए तो इसको ढक्कन लगाकर ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे मीडियम से, थोड़ा सा कम आँच कर देंगे। देखिए 5 मिनट के बाद पक कर पानी उन्हें छोड़ दिया है गोश्त। अब जो प्याज कच्चा हम पहले से रखे थे बचा कर थोड़ा बहुत, उसको भी डाल देंगे। डालकर मिलाएंगे इसमें। गैस को बंद कर लेंगे। बंद करके अब इसको कुकर में पूरा गोश्त को डालेंगे। पूरा कुकर में मैंने डाल दिया। अब थोड़ी सी पानी डालकर सीटी लगाकर गलाएंगे, गलने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, ऐसा गलाना है ताकि गोश्त गल जाए, हाथ से टूटने नहीं टूटने लगे। एक सीटी आ जाएगा जब, तो आँच को मीडियम करके छोड़ देंगे। मेरा गोश्त चूँकि बहुत अच्छा है इसलिए 4 सीटी में गल जाता है, लेकिन आप लोग का जैसा हो जितना में गले उतना में गला लीजिए गोश्त को। बहुत ज़्यादा मत गलाइएगा, क्योंकि भूनने में भी गोश्त को भूना जाता है जब गोश्त, उसमें भी गलता है। देखिए गल गया मेरा गोश्त, दिखा दे रही हूँ आपको तोड़ के हाथ से, टूट रहा है। देखिए टूट गया। कढ़ाई जिसमें से गोश्त निकाल के कुकर में डाले थे उसको फिर उसी को चढ़ाएंगे और गोश्त पूरा उसमें कढ़ाई में डाल देंगे कुकर से।
तेज़ आंच करके गैस का फ्लेम तेज करेंगे और इसको सुखाएंगे पानी को। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ढक्कन लगा कर, चेक करते ढक्कन लगा देंगे और बीच बीच में खोल के ढक्कन चेक करते रहेंगे ताकि गोश्त मेरा जले नहीं। देखिए पानी थोड़ा सूख गया है, अब इसको मीडियम आंच करके, जब पानी सूख जाए तो मीडियम आंच करके इसको भूनेंगे गोश्त को। अच्छे से इसको गोश्त को भूनना है। अच्छे से इसको चला चला कर भूनेंगे। देखिए मेरा गोश्त इतना गला है कि टूट भी नहीं टूट रहा है भूनने में, और जो भून रहे हैं उसमें अब गोश्त थोड़ा बहुत गलेगा जो बाकी रह गया। कुकर में पानी, गर्म पानी मैंने करके पहले से रखा था, गर्म पानी कुकर में डालकर जितना पहले लगा है शोरबा सब मिला कर उसमें गोश्त में डाल देंगे। गरम पानी नहीं डाला जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। गरम मसाला जो मैंने पहले थोड़ा सा बचा कर रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे। मिलाएंगे इसको सबको, अच्छे से चलाते हुए सबको मिलाना है। और पानी डालने की ज़रूरत है, अभी शोरबा मोटा है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका ग्रेवी रख सकते हैं, उतना आप जितना गाढ़ा और पतला चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए। और पानी डाला मैंने अच्छे से मिलाकर और ढक्कन लगाकर इसको मीडियम आंच पर रख देंगे। 5 मिनट के लिए रखेंगे, मीडियम से थोड़ा सा कम फ्लेम को कर देंगे और इसको 5 मिनट तक के लिए पकने देंगे। नमक अपना स्वाद अनुसार देखकर और लगा सकते हैं कम बेस। 5 मिनट के बाद ये देखिए तब अच्छा पक गया है, सब मसाला वगैरह जो गरम मसाला दोबारा डाले थे सब मिक्स हो गया है। दोस्तों सर्व करेंगे इसको, देखिए कितना अच्छा गोश्त मेरा तैयार है बन के। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा, इसको आप पुलाव के साथ जो बहुत अच्छा लगता है, ये पुलाव में थोड़ा इसका ग्रेवी पतला रहता है। दाल चावल रोटी चपाती पराठा हर चीज़ से खा सकते हैं। इस चैनल को देखने के लिए, मेरे इस रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए कितना अच्छा से गल गया, हाथ से तोड़ के मैं दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है गोश्त इसलिए तोड़ने में इसको थोड़ा दिक्कत हो रही है। देखिए एक और इसको तोड़ के हाथ से दिखा दे रहे हैं, गर्म है इसलिए दिक्कत आ रही है थोड़ा। देखिए गल गया अच्छा से गोश्त, और टूटा भी नहीं है पकाने में भूनने में।